मेरे साथीगण और गांधीजीत गांधीवादी और मुदियारी पूर्वी चंपारण जिले की सभी जनता को आज इस दिन पर बस मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यक्ति गांधी जी हमारे साथ थे और उनके विचार आज भी हमारे साथ है। एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने था कि आज के इस एज में जहाँ पे लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, विचारों के ऊपर जो है विवाद विवाद होते हैं, लेकिन तीनों धर्मों के लोग यहाँ पे उपस्थित है, सर्वधर्म समभाव और सभी धर्मों को उतना ही रिस्पेक्ट देना। और गांधी जी को इसलिए भी याद करना बहुत आवश्यक है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने हमेशा कहा कि मेरा जो आचरण है, मेरा जो जीवन है, यही मेरा मैसेज है। कभी किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, और आज भी उतने ही अनुयायी उनके हैं। और सब लोग रिसर्च कर ले, नया नया आयाम जो है हम सभी लोग ढूंढ रहे हैं कि गांधी जी के विचारों में क्या क्या था। शायद जो है कि एक आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए जिससे आदमी सुखी हो सकता है और समाज शांतिपूर्ण हो सकता है, उन्होंने इसका मैसेज दिया था। और हम सब लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि उसके नजदीक पहुंचे। विचारों में मतभेद हो सकते हैं, आचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उन्होंने सारे विचारों को उतना ही महत्व दिया। किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं, किसी के प्रति क्रोध नहीं, किसी के प्रति जो है बदले की भावना नहीं। ये बहुत ही एक सुंदर जो विचार थे जिसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को एकजुट बनाया। और आज जो हम फ्रीडम अनुभव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का बहुत अहम योगदान रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि पे उनको हम याद करते हैं। उनका जो समर्पण है, जो बलिदान है, वो निश्चित ही अतुलनीय है। और आज के इस दिन में मैं बस यही आशा करता हूँ कि हम सभी लोग प्रयास करें कि उनके नजदीक पहुँचने के विचारों के प्रति उनके विचारों को अपनाने के लिए, ताकि सभी लोगों के जीवन में एक सुंदर, सुखद, शांतिपूर्ण बदलाव आए और उससे एक हमारा समाज भी एक संघ होगा, एकजुट होगा और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी होगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय चंपारण।